आज एसिम्स किचन में एक बहुत ही हेल्दी और साथ ही साथ इतना टेस्टी रेसिपी आप लोग को दिखाएंगे बना के। तो इसके लिए यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के लिए दे दिए है, और ये है 5 फोरन। 5 फोरन में बहुत कुछ मिलाया होता है, 5 चीज़ें आप दुकान में इजीली आपको मिल जाएगी। और उसके बाद है ये सूखा मिर्च एक डाले हैं और थोड़ा सा जीरा डाले हैं। अब इसको हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करके इसको निकाल लेंगे। और इसका एक पाउडर बनाना है हमें पहले। तो देखिए ये ड्राई रोस्ट अच्छे से हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के इसको हम पीस लेंगे, सारा एक साथ हम पीस लेंगे। और यहाँ पे सरसों का तेल डाले हैं। सरसों का तेल गर्म होने के बाद आपके पास अगर बड़ी हो ना, इसमें बड़ी की ज़रूरत होती है, बड़ी अदौरी जो भी आप लोग इसको बोलते हो, उसको फ्राई कर लेना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें फ्राई कर लेना है, और इसको भी हमें छान के निकाल देनी है। अब बड़ी को निकालने के बाद उसी तेल में हम करेले को छान लेंगे। करेले को लंबा लंबा करके हम कट करके रखे थे और नमक और हल्दी मिला के रखे थे इसमें। तो इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेनी है करेले को। अब करेला भी हम निकाल लेंगे फ्राई करने के बाद। अब इसी तेल में हम बैंगन को भी डाल लेंगे। बैंगन को भी हल्दी और नमक के साथ हमने मिला के रखा था, उसको भी हम छान लेंगे अच्छे से। और बैंगन पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा फ्राई करते टाइम। तो देखिए बैंगन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम बैंगन को भी निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ तेल है इसमें हमें कुछ फ़ोरन देनी है। तो सबसे पहले ये सूखा लाल मिर्च डाल देंगे, उसके बाद तेज पत्ता, और ये थोड़ा सा 5 फोरन हमने दिया है, और उससे भी थोड़ा सा, उससे भी कम हम जीरा को डाले हैं इसमें। और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए ये सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब जो मेन चीज़ है वो हम इसमें डालेंगे, जो कि बहुत हेल्दी है, पपाया, कच्चा केला और ड्रम स्टिक और आलू को इसी तरह से हमें कटिंग करके डालना है, लंबा लंबा कट करके हमें डालना है। और जो शुरुआत में हम ड्राई रोस्ट कर लिए थे मसाले को, उसको हम पीस के रख दिए हैं। अब ये जो कच्चा केला, फिर कच्चा पपीता, हाँ कच्चा पपीता ही इसके लिए चाहिए, और ड्रम स्टिक, इसमें थोड़ा सा हम हल्दी और नमक के साथ फ्राई कर लेंगे। में जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो सारे बहुत ही हेल्दी है, और इस वे में आप अगर बना के खाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग नहीं खाते हैं वो भी इसको खाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ढक ढक के, ताकि ये सारा चीज़ हल्का सा बॉयल भी हो जाए। और उसके बाद हम थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाले हैं इसमें, और ये जीरा का पाउडर है, जीरा पाउडर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा। अब इन सबको फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हल्दी बहुत ही कम डालना है इस रेसिपी में। ये थोड़ा सा हल्का लाइट कलर होगा, और इसमें अब हम दूध मिलाएंगे। ये 1/2 कप हमने दूध दिया है, और जिस कप का आप दूध दे रहे हो ना, उसका ही फुल कप आपको पानी इसमें डालना है बॉयल करने के लिए। और आप अगर चाहो तो पूरा ही दूध में भी बना सकते हो, तो और भी अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो ये सब कुछ एक साथ हमें मिक्स कर लेने हैं। इसमें जब बॉयल आ जाएगा तब हम इसको ढक देंगे लो फ्लेम में, और इसको करीब 10 से 15 मिनट तक हम ढक के रखेंगे। बीच में इसको और एक बार हम चेक किए थे, अब दोबारा देखिए हम देखते हैं कि बॉयल हो गया है कि नहीं। देखिए आलू अच्छे से बॉयल हो गया है, फिर पपाया भी अच्छे से बॉयल हो गया है ये। और थोड़ी देर हम इसको रखेंगे, उसके बाद हमारा ये जो सब्जी है ये पूरी तरह से बन जाएगा। और जो फ्राइड वाले आइटम हम निकाल के रखे थे ना, जैसे बैंगन हो गया, बड़ी हो गई, ये सब हम इसमें अब डाल देंगे। और डाल के थोड़ा सा चीनी इसमें मिला देंगे। आपको पता है कि हम हर एक रेसिपी में थोड़ा सा चीनी हम डालते हैं ताकि टेस्ट बैलेंस रहे। तो ये सारा चीज़ एक साथ मिला के हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। करीब 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे।
तो देखिए 2-3 मिनट बाद फिर से हम चेक कर रहे हैं और ये पूरा बन के तैयार हो गया है। अब जो मसाला पाउडर हमने पहले बना के रखा था ड्राई रोस्ट करके, उसको हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा घी अगर आपके पास हो, देसी घी, वो आप डाल दीजिएगा 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसमें। तो ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में, एक बार खा के देखिएगा। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में है, पर ये बहुत ही, जितना आपको लग रहा है ना कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, पर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये सच में अच्छा लगेगा। और आप कमेंट पे बताओगे भी मुझे कि ये अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।